पटेल काबिल, लेकिन नेहरू बने प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। राजनीतिक माहौल इस देश के युवाओं को बहुत लुभाता है और इसी कड़ी में बहुत से राजनेता इतिहास के कई दस्तावेजों को जनता के सामने रखने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी राजनीति भी इतिहास की साक्षी बन सके। इस मर्तबा कथा पेश करता है आप सभी के सामने कि जब पटेल थे काबिल तो क्यों प्रथम प्रधानमंत्री बने नेहरू। 1928 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। चर्चा चल रही थी कि आगे पार्टी की कमान किसे सौंपी जाए। 15 जून 1928 को मोतीलाल ने महात्मा गांधी को एक पत्र में लिखा, मुझे पता है कि वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस अध्यक्ष बनने के काबिल हैं। हालांकि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखें तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष पद के सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। महात्मा गांधी ने जवाब दिया कि अभी समय नहीं आया है कि जवाहर को यह जिम्मेदारी दी जाए। 11 जुलाई को एक और पत्र में मोतीलाल ने जोर दिया कि हमारी पीढ़ी खत्म होती जा रही है, आजादी का यह संघर्ष आज नहीं तो कल जवाहर जैसे लोगों को जारी रखना होगा, इसलिए जितना जल्दी हो वे शुरुआत करें। दैनिक भास्कर के अनुसार अगले ही साल 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। यह किस्सा बताता है कि मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल के लिए भूमिका बनाई और आखिरकार जवाहरलाल नेहरू उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तब से यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। 1885 में रिटायर्ड अंग्रेज कलेक्टर ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की नींव रखी। उस दौर में कांग्रेस देश के सबसे बड़े जमींदारों और बैरिस्टर्स की पार्टी मानी जाती थी। दोस्तों, गौरतलब है कि कई बार गांधी परिवार को पूंजीवादियों के खिताब से नवाजा जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक सच है क्योंकि बहुत से लोग इस बात का खंडन करते हैं। लेकिन आखिर हकीकत क्या है? बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात को साफ किया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू सन 1900 के दरमियान भारत के सबसे महंगे वकीलों में से एक थे। कहते हैं कि उस दौर में वो हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाते थे। नेहरू परिवार की तरबियत इलाहाबाद के आनंद भवन में ही हुई थी। इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स में लिखते हैं कि गांधी के कहने पर 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुन लिया गया। अध्यक्ष पद पर नेहरू के खिलाफ राजगोपालाचारी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी थी। 15 अगस्त 1947 से साल भर पहले ही साफ हो गया था कि भारत की आजादी अब ज्यादा दूर नहीं है। यह भी तय किया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि 1946 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव की घोषणा हुई, गांधी ने साफ कर दिया था कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। 1946 में 80% कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम का सुझाव रखा, लेकिन गांधी नेहरू पर अड़े रहे। आखिरकार पटेल ने नाम वापस ले लिया और इस तरह नेहरू देश के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बने।